छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल जोर शोर के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश के 90 विधानसभा में संकल्प शिविर आयोजित कर कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धमतरी पहुंचे। सबसे पहले मुख्यमंत्री सिहावा विधानसभा के नगरी में आयोजित संकल्प शिविर में शामिल हुए। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री ने संकल्प दिलाया और कहा कि कांग्रेस जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी उसके प्रति समर्पित होकर सभी को काम कर कांग्रेस को जीत दिलाना है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मंत्री अनिला भेड़िया, सीएम के सलाहकार राजेश तिवारी सहित अन्य नेता मौजूद रहे। बता दें कि कार्यक्रम में भूपेश बघेल ने राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डॉक्टर रमन सिंह के 15 सालों के कार्यकाल को लेकर कोसा, साथ ही केंद्र सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं भाजपा द्वारा 21 सीटों पर किए गए प्रत्याशियों के घोषणा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा शासन काल में गृहमंत्री राम सेवक पैकरा और ओपी चौधरी का टिकट काट दिया है। भाजपा ने ऐलान किया था कि टिकट वितरण में परिपरवाद नहीं चलेगा, लेकिन रमन सिंह के भतीजे को टिकट दिया गया है। ऐसे में अब रमन सिंह का टिकट खतरे में है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस बार चुनाव में 75 पार जीत दर्ज करेंगे। पहले धमतरी जिले के सिहावा में संकल्प शिविर में भाग लिया और आज धमतरी में संकल्प शिविर में आए। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, जोश है। पिछले समय थोड़े से चूक गए थे, इस समय वो गलती नहीं होगी। ये संकल्प हमारे साथियों ने लिया है और मैं समझता हूँ कि आने वाले चुनाव में हम 75 पार जीतेंगे।